हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर समर फ्लावरिंग प्लांट मांडविला को लेके आई हूँ। मांडविला की देखिए वाइन होती है, और ये वाइन जो है इसको आप किसी सहारे से ऊपर चढ़ाएंगे तो ये अपलिफ्ट होती जाती है और इसमें बहुत अधिक फ्लावरिंग होती है। मांडविला वाइन जो है इसके जो बेलें लताएं हैं बेल हैं ये तीन कलर्स में मेन आती हैं, एक तो वाइट, एक पिंक और एक डीप रेड कलर में, जिसमें से दो कलर्स मेरे गार्डन में हैं। एक ये वाइट जिसमें ये वाइट फ्लावर्स खिल रहे हैं, और एक ये पिंक कलर का लेकिन रेड कलर का मांडविला मेरे गार्डन में नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी इसमें बर्ड्स भी हैं और ये फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। जो हमारी मांडविला वाइन है इसका प्रोपोगेशन दो प्रकार से होता है। इसको हम बीज से भी लगा सकते हैं और हम इसको इसकी शाखाओं से भी लगा सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। बीज तो इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी शाखाओं से जो हम प्रोपोगेट करें तो हमें ये देख लेना है कि जहाँ पर नोड हो, नोड एरिया, वहाँ से हम थोड़ी सी मोटी शाखा हो वहाँ से हम थोड़ी नीचे से कटिंग करके और फिर इसको मिट्टी के अंदर डालें या इसकी लेयरिंग करें, ऊपर से इसमें कोकोपीट लगा के और लेयरिंग करके मिट्टी में दबा दें तो इसमें से पौधा आपका निकल आता है। वो इसको प्रोपोगेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तीसरी जो चीज़ है वो अगर हम प्रोपोगेट नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसको नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप इसकी वाइन को नर्सरी से परचेज कर रहे हैं और आपको वाइट के बजाय पिंक या रेड कलर चाहिए, तो आप उसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से करेंगे। सभी वाइन्स का जो पत्तियों का कलर होता है वो डीप ग्रीन होता है, लेकिन अगर आपको जो नर्सरी वाले हैं वो वाइट कलर की वाइन देंगे तो उनके पत्ते इस तरीके के, देखिए, पतले और आगे से नुकीले टाइप के होते हैं, पतले होते हैं और नुकीले होते हैं। इससे ये पता लगता है कि इसमें वाइट कलर के मांडविला फ्लावर्स आएंगे। अगर आपको पिंक या रेड कलर की चाहिए तो उसमें पत्तियां जो हैं देखिए चौड़ी होती हैं, इतनी पॉइंटेड भी नहीं होती हैं। उसमें अगर बर्ड्स या फ्लावर नहीं है तो आपको देख के पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें श्योरिटी से पिंक या रेड कलर का मांडविला आएगा। मैंने इसी प्रकार से पहचान के इसको पिंक वाले को परचेज़ किया था कि इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। तो ये हो गई इसके प्रोपोगेशन की बात। अब अगर हम इसके थोड़े से जानकारी हासिल कर लें कि इसमें मांडविला को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो जो सबसे पहली बात है वो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लूँगी कि देखिए, ये हमने सहारे से इसको चढ़ा रखा है। अगर मैं इसके आगे और स्टिक्स नहीं लगाऊंगी या इसको दीवार के सहारे से किसी से नहीं चढ़ाऊंगी, तो इसमें देखिए ये छोटी छोटी बर्ड्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए छोटी छोटी बर्ड्स इसमें ये दिखाई दे रही होंगी। तो अगर इसको सहारा नहीं मिलता है तो ये ऊपर का पोर्शन इसका डेड हो जाता है और फिर इसमें फ्लावर्स कम आते हैं। तो मांडविला को लगाने पर हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये किसी सहारे से ऊपर चढ़ती रहे। दूसरी चीज़, इसकी सॉइल हम कैसी लें। इसकी सॉइल को हमेशा हल्का तैयार करिए, ऐसा मिक्सचर बनाइए जो कि हल्का हो। इसमें आप बराबर मात्रा में गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना करके इस पौधे को लगा दीजिए। इसकी मिट्टी ऐसी लीजिए जो कि हल्की हो, वेल ड्रेन्ड हो, और उसमें से जितना पानी पौधे को चाहिए वो ले ले और वो नीचे से निकल जाए। कितने देखने में इसके फ्लावर्स जो हैं देखिए ये सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी हम वाटर की बात करें तो वाटर भी मिट्टी के साथ साथ ज़रूरी होता है। तो जब आप ये देखें, इसमें फिंगर चेक मेथड का इस्तेमाल करिए। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, ऊपर से देखते हैं गमला सूखा है तो उसमें पानी डाल देते हैं, लेकिन अंदर से वो गीला होता है। इसकी पहचान के लिए एक तो फिंगर चेक, दूसरे आप इसमें गुड़ाई बराबर कीजिए।
आपको पता लग जाएगा पूरी मिट्टी कब सूखी हुई है, और तभी इसमें जब ये सूखा हुआ हो तभी आप इसमें पानी दीजिए, नहीं तो ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं और उनमें फंगस लग जाता है। अब अगर मैं इसके सनलाइट की बात करूं, तो क्योंकि ये समर का प्लांट है तो इसे सुबह की 2-3 घंटे की 4 घंटे की धूप बहुत है। उसके बाद क्योंकि हम लोग गमलों में लगाते हैं, तो इसको ऐसी जगह पे प्लेस करिए जहाँ पर कि छाया आती हो, या इसको टोटल ऐसी जगह पे प्लेस करिए जहाँ इसे छन के धूप मिलती रहे, तो ये वाइन में फ्लावरिंग अच्छी होती है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसमें आप 2-4 दाने गमले में उसके DAP के डाल सकते हैं बिल्कुल साइड से, या फिर जो है आप सी वीट फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, भर भर के ये जो बेल है ये फ्लावरिंग करती है। तो समर्स में भी हम चाहें तो तरह तरह के फ्लावर्स लगा के अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। अब मैं आती हूँ इसके कॉस्ट के ऊपर। तो देखिए, जो वाइट कलर का बॉन्डिविला होता है ये, इसकी तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ये 100 के अंदर इसकी वाइन नर्सरीज पे मिल जाती है। लेकिन ये जो हैं ये रेयर हैं। पिंक देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। पिंक और जो रेड कलर के होते हैं, एक तो ये थोड़े नाजुक भी होते हैं और ये प्यारे भी ज़्यादा लगते हैं, इनको कस्टमर्स ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो ये तो 200 से 250 तक का मिलता है, जो रेड वाला है वो 300-350 तक की प्राइस में चला जाता है, कॉस्टली आता है। लेकिन आप ये देखिए, आप चाहें तो 15 इंची के भी गमले में अगर लगाएं तो डबल ये लगा हुआ, अगर आप 15 इंची का गमला लेते हैं तो आप 2 वाइन लगा सकते हैं, रेड या पिंक या वाइट या पिंक इस तरीके से। तो ये डबल कलर में भी एक वाइन आपकी पिंक कलर की चलेगी, एक वाइट कलर की, बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। तो आप 2 कलर के भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कम से कम 15 इंची का गमला दीजिए। अगर सिंगल वाइन लगानी है, जैसे मैंने एक में पिंक और एक में ये वाइट लगाई है, तो आपका 12 इंची का गमला सफिशिएंट है इसके लिए। तो इसके वाटर, सन, प्रोपोगेशन, खाद, सब चीज़ की बात हो गई। ये बॉन्डिला वाइन गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। देखभाल से अपने गार्डन में लगाइए, और आपको अगर ये फ्लावर्स अच्छे लगे हों और मेरे दिए गए टिप्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।